बीएसपी प्रमुख मायावती को ये क्या हो गया है? सरकार बीजेपी की है लेकिन निशाना सपा पर क्यों? देखिए मायावती की हिडन पॉलिसी में क्या है। सपा को नीचा दिखाकर बीएसपी किसका दे रही है साथ? देखिए माया के बदले तेवरों का असली कलेवर क्या है। सियासी बनवास भुगत रही बीएसपी प्रमुख मायावती चुनावी रेस से बाहर हैं और रैलियों से दूर हैं, लेकिन सपा के नाम पर मायावती आज भी फुफकारने का काम कर रही हैं और उससे भी गजब चुनावी माहौल में मायावती के तेवर हैं, जिन्हें देखकर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि सियासत के कौन से चश्मे से मायावती प्रदेश के हालात देख रही हैं, जो बीजेपी की सरकार में भी सिर्फ और सिर्फ सपा को ही कोसने का काम कर रही हैं, जबकि जिन मुद्दों पर जवाबदेही सत्ताधारी पार्टी की है मायावती उन मुद्दों पर विपक्षी दल सपा को निशाना बना रही हैं। ऐसे में सियासी जानकारों ने एक बड़ा खुलासा किया है और सियासी जानकारों की माने तो मायावती एक खास मकसद से सपा को कोसकर छवि खराब कर रही हैं, ताकि एक बड़े दल को मजबूत किया जा सके और पर्दे के पीछे से राजनीति के तुरुप के इक्के का इस्तेमाल किया जा सके। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और इन 4 चरणों में मायावती के निशाने पर सियासी माइलेज लेने के लिए बीजेपी का नाम कम सपा का नाम ज्यादा जुबान पर रहा है। मायावती ने अब तक ट्विटर के जरिए 8 बार राजनीतिक बयान जारी किए, जिसमें मात्र 2 बार ही बीजेपी पर सिर्फ कमेंट किया है और बड़े नेताओं का नाम लेने से भी परहेज किया है। लेकिन मायावती ने 8 में से 6 बार सपा का नाम लिया और सपा पर गुंडाराज और भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया, जो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल बीएसपी प्रमुख मायावती एक सदी हुई रणनीति के तहत बीजेपी पर बयान देने से बच रही हैं और सपा को निशाने पर ले रही हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या कोई अंदरूनी समझौता बीएसपी और बीजेपी के बीच हो चुका है, या सरकार बनाने में जरूरत हो तो इस दोस्ती को भुनाया जा सके। इस लिहाज से मायावती बीजेपी से बचाव और सपा पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। सियासी जानकारों की माने तो मायावती के भाई आनंद की जांच को लेकर भी मायावती बैकफुट पर हैं। मायावती के इस नरमी के पीछे का कारण सभी जानना चाहते हैं। मायावती आय से अधिक संपत्ति के समेत कई केसों के मामले में बीजेपी के दबाव में हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी झलक इस बात से भी मिलती है कि बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलने वाली मायावती ने पूरे चुनाव में बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। पहले चरण की समाप्ति के बाद मायावती ने सिर्फ 2 ट्वीट किए, जिसमें एक उन्नाव में लड़की की हत्या के मामले में सपा नेता के खिलाफ है, वहीं दूसरा हिजाब मामले को मुद्दा न बनाने की अपील है। जबकि दूसरे चरण में बीएसपी की ओर से जो बातें कही गईं, उसमें सिर्फ मुस्लिम वोटों को लेकर बात कही गई, लेकिन निशाना साफ सपा पर रहा। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जो मायावती राजनीति में सबसे मजबूत मानी जाती थी, उन्होंने बीजेपी के सामने हथियार क्यों डाल दिए? क्यों अपनी ही पार्टी को दफन करने की रणनीति बना डाली? मायावती ने जिस अंदाज में राजनीति से संन्यास सा लिया है, वो बताता है कि मायावती अब खुद ही हार मान चुकी हैं और इसीलिए ना तो चुनाव में कोई बड़ा ऐलान किया और ना ही किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा दिखाई, बल्कि जिस अंदाज में सपा को उन्होंने निशाने पर लिया, उससे लगता है कि मायावती बीजेपी के साथ एक बड़ी डील करके बैठी हैं कि मैं तो सत्ता में नहीं आने वाली, लेकिन सपा को हराकर आपको सत्ता में जरूर पहुंचा दूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।